नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। क्षेत्र के कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह की भाजपा में शामिल होने के बाद राज्य खाद्य आपूर्ति निगम अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करने के बाद बड़ा मलहरा प्रथम आगमन पर नगर में पैदल मार्च कर मंजी भाषण के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा मेरा घर है, मैं कांग्रेस में अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। जनप्रतिनिधि का काम क्षेत्र का विकास करना होता है। मैंने कोई अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया, मैं दलाली प्रथा पर विश्वास नहीं करता। मैंने दीदी उमा भारती की प्रेरणा से क्षेत्र के विकास को लेकर भाजपा में शामिल हुआ और क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से करोड़ों की लागत की योजना स्वीकृत कराकर लाया हूं। मंच पर चंदला विधायक राजेश प्रजापति सहित भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रद्युम्न सिंह के भाजपा में शामिल होने पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र दीक्षित, यूंका अध्यक्ष टिंकू चौहान, दीप्ति पांडे, धन प्रसाद असाती ने कांग्रेसियों के साथ विधायक के मलहरा आने पर काला दिवस की संज्ञा देते हुए विधायक वापस जाओ व मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए काले झंडे दिखाए। इस दौरान कांग्रेसी नेता सुशील मोदी, सफीक मोहम्मद, राम हेतम श्रा, जीवंधर जडेजा, राम अवतार यादव, सत्येंद्र सिंह, पुष्पेंद्र शर्मा, वीरेंद्र पांडे, बबलू तिवारी, सौरभ पाठक, विजय यादव, शिशुपाल अहिरवार, सरमन यादव, राजेश रिछारिया सहित तमाम कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन किया है। किस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया? यहाँ से विधानसभा बड़ा मलहरा की जनता ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी बड़ी मेहनत के साथ प्रद्युम्न सिंह को यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनाया था, लेकिन विधायक प्रद्युम्न सिंह ने सत्ता सुख भोगने के लिए अवसरवाद के चलते भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपए लेकर के अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को बेच दिया। आज यह बड़ा मलहरा विधानसभा की जनता के लिए काला दिन है, इसलिए जनता के सम्मान में आज हम लोग यहाँ पे कांग्रेस के सभी साथियों ने उनको काला झंडा दिखा करके उनका यहाँ पर अपमान किया है हम लोगों ने कि तुमने जो उमा भारती के कहने पे, उमा भारती ने पहले भी यहाँ पर विधानसभा बड़ा मलहरा में एक उपचुनाव थोप चुकी है और उनके ही क्रियाकलापों से दूसरी बार उमा भारती जी के द्वारा इस विधानसभा में उपचुनाव का भार यहाँ की जनता के ऊपर थोपा जा रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ से प्रद्युम्न सिंह को जनता सबक सिखाएगी। आज किस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया? आज बड़ा मलहरा विधानसभा के एक एक नागरिक के लिए काला दिन है, क्योंकि यहाँ जनमत का अपमान हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। अगर विकास के नाम पे लोग यूं ही सत्ता परिवर्तन करते रहे तो क्या विपक्ष नहीं बचेगा? और जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं कि हम अकेला महसूस कर रहे थे, ये हजारों की भीड़, ये कार्यकर्ता दिन भर उन्हें घेरे रहे और ये हमारी बड़ा मलहरा विधानसभा के लिए एक छल है, जिसको लेके आज हम सब लोगों ने, पूरी कांग्रेस कमेटी ने यहाँ विरोध किया है और जनमत का अपमान बड़ा